नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के सिगनरौली में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक हेतु हुआ भूमि पूजन। निगम अध्यक्ष देवेश पांडे एवं पार्षद प्रेम सागर मिश्रा की उपस्थिति में हुआ शुभारंभ। सिगनरौली नगर निगम क्षेत्र के जुआड़ी 36 वार्ड स्थित 2 मार्च को मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का शुभारंभ रजक मोहल्ला में विशिष्ट अतिथि नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे, वार्ड 36 कांग्रेस पार्षद प्रेम सागर मिश्रा, पार्षद अनिल वैश्या और ग्राम वासियों की उपस्थिति में किया गया, जहां पार्षद श्री मिश्रा ने फावड़ा चलाकर इसकी विधिवत शुरुआत की। पार्षद प्रेम सागर मिश्रा ने बताया कि वार्ड में क्लिनिक बन जाने से ग्राम वासियों को आवश्यकता अनुसार दवाई क्लिनिक में ही उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही कहा कि क्लिनिक बनाने को लेकर ग्रामीणों में भी काफी खुशी है। बता दें कि मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक की जरूरत यहां काफी अरसे से महसूस की जा रही थी, जहां राज्य सरकार इसमें विशेष योगदान दे रही है और उसके परिपेक्ष में गुरुवार को मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक जमीन का भूमि पूजन किया गया, जहाँ ग्रामीणों ने अत्यंत खुशी जताई है। मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक जब बन जाएगा तो लोगों के उपचार की अधिकतर सुविधाएं यहीं पर मिल जाया करेगी, जो कि अत्यंत गौरव की बात है। वार्ड 36 के कांग्रेस पार्षद प्रेम सागर मिश्रा की मेहनत रंग भी ला रही है और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको अपने वार्ड में पूरा कराने प्रयत्नशील हैं, जिसका परिणाम भी मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक के रूप में सामने है। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। वार्ड क्रमांक 36 जुआड़ी के रजत मोहल्ला और हमारे साहू परिवार से और भी प्रकार के वहाँ पे रहवासी हमारे भाई बहन रहते हैं जो गरीब असहाय परिवार है, उनके बीच में आज मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का जो कार्य प्रारंभ कराया गया, भूमि पूजन किया गया, इससे बन जाने से उनको स्वास्थ्य को लेकर के दवा से संबंधित स्वास्थ्य संबंधित अनेकों सुविधाएँ लाभ मिलेंगी। दूर दूर जाकर के दवा लेने जाते थे, वह उनको पास में मिलेगा, उससे उनसे तो छुटकारा मिलेगा। जो कि समस्याएं काफी दिनों से जो पड़ी हुई थी वो आज अथक प्रयास के कारण से आज जाकर के वो पूरा होगा। पार्षद प्रेम सागर मिश्रा, वार्ड क्रमांक 36।